मेरे साथ किया था यार, स्प्लेंडर से बहुत ज्यादा मुझे लगा था यार, इसका मतलब खराब था, ये भी खराब हो यार, ये देखिए हीरो का है भाई। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले बाइक्स पे। आपने गाड़ियों की ओनरशिप रिव्यू बहुत देखी होगी, लेकिन बाइक्स के जो कस्टमर है वो कितने परेशान है, आप इस वीडियो में देखो। भाई आज आपको दिखाने वाला हूँ स्कॉर्पियो, लेकिन ऐसी स्कॉर्पियो नहीं जो कि बाइक सी है। गेस करो कौन सी बाइक होगी। तो ये रही सबकी प्यारी स्प्लेंडर, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज हैं अब कितनी सही आ रही है वो आप ऑनर से पूछ सकते हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई, आप कैसे हो? बढ़िया है भाई। और कहाँ से हो आप? भाई खलीलाबाद से हैं। ठीक है, तो बता यार कब ली थी बाइक? 2 महीने पहले ली थी भाई। और इसकी माइलेज वगैरह क्यों ली थी पहले बात ये बताओ, क्या क्यों स्प्लेंडर ही क्यों? भाई माइलेज को जैसे माइलेज वगैरह जैसे इसकी तहलका भी है स्कॉर्पियो की तरह है ना। हाँ भाई, लेकिन इसका मतलब क्वालिटी भाई नहीं सही है। बुलेट और एक स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, स्प्लेंडर बहुत चलती है ना। हाँ भाई, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत खराब है भाई। क्वालिटी की बात करते हैं भाई। हाँ। क्या क्या दिक्कत थी भाई? मैंने 2 महीने लिया भाई, इसका मतलब ये मतलब खराब हो गया था, टूट गया था। शॉकर की बात करें? हाँ, शॉकर सस्पेंशन भी बता रहे थे कुछ पिछला वाले में भाई, इसमें भी मतलब है, ये भी मतलब खराब हो गया है। अभी 4 महीने लगभग हुए हैं इसको लेते हुए भाई, तब भी इसकी जो क्वालिटीज हैं देखने को आ रही है यार, इसका सस्पेंशन भी खराब हो जा रहा है और इसका भी। और बताओ इसका सर्विस कैसा है? सर्विस बहुत बेकार है इसका। और सर्विस सेंटर वाले क्या बात सुनते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि इसको मतलब बाहर से इसको बदलवाना पड़ेगा बोलते हैं। भाई इंश्योरेंस भी क्लेम किया था, इंश्योरेंस में देकर आए थे, वारंटी भी इसकी नहीं मानी जा रही। ऐसी एक और स्प्लेंडर है उसकी जो है कम से कम 1 हफ्ते हुए, उसकी हेडलाइट ही खराब हो गई भाई। वो ये देखो ये रही, इनके भी ओनर से आपको मिलाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। और भाई ये बाइक गियर में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसमें मतलब हो गया है क्या प्रॉब्लम? इसकी और प्रॉब्लम है गियर में भी। तो सर्विस इसका कितना हुआ है, कितनी सर्विसेज हुई है? इसकी 2 सर्विस हुई है। अच्छा, और भाई इसका कलर देखो, कलर देखो चला जा रहा है भाई। अच्छा, इसकी जो शाइनिंग है वो बहुत, पेंट की क्वालिटी बता रहे हैं ना? हाँ, पेंट की क्वालिटी बहुत मतलब बेकार है। तो भाई चलाने में कैसी है ओवरऑल देखा जाए तो? भाई चलाने में तो ठीक है, मतलब 50-60 पे अच्छा चलता है, उसके बाद मतलब इसका कंट्रोल उतना सही नहीं रहता है। और टॉप स्पीड क्या निकल के आई है? टॉप स्पीड इसके मतलब पहले ज्यादा था 90, अब मतलब 80 जाता है। भाई स्प्लेंडर ही क्यों ली तब? भाई घर वालों की स्प्लेंडर पसंद थी और मतलब मोहल्ले वाले भी बोल रहे थे, और मतलब हम स्प्लेंडर इस सोच के लिए मतलब इस पे 2-3 बंदे आराम से घूम सकते हैं, माफिया वाला बाइक है क्योंकि भाई इसका मतलब जो क्वालिटी है उसकी वजह से मतलब लेना स्प्लेंडर बेकार ही है मतलब। और इसकी कंपटीशन में कितनी गाड़ियां देखी थी? इसकी कंपटीशन में एच डिलक्स था और पल्टीना भी था, मतलब उसका मतलब पल्टीना मतलब लेते में उसका मतलब वो हल्का होता है, इसकी वजह से पल्टीना नहीं लिए, दबदबे के कारण नहीं लिया। और मतलब इसका भौकाल भी हम ये नहीं जानते थे कि मतलब इसका क्वालिटी मतलब क्या हो गया है। भाई हीरो वाले क्या कर रहे हो यार, आपकी हीरो प्रोडक्ट है हीरो स्प्लेंडर, आप इसकी क्वालिटी घटा ले रहे हो। एक कस्टमर बेचारा जो फैन था स्प्लेंडर का वो लेकर भी पछता रहा है, ऐसे आप कस्टमर खो रहे हो, ठीक है तो ऐसा ना करें। और सर्विस सेंटर कहाँ, सर्विस कहाँ से कराते हो? सर्विस यहाँ से कराते हैं, मैदावल के साइड से। अच्छा, खलीलाबाद में? हाँ। सर्विस सेंटर का कुछ नाम होगा ना? खलीलाबाद का बखीरा सर्विस सेंटर है, वहाँ पर मतलब ले गए थे शॉकर मतलब खराब हुआ था, तो बोल रहे थे मतलब बाहर से चेंज कराओ। अच्छा, जो कुछ एक्सीडेंटल वगैरह था तब ना? अच्छा भाई इसका बता दे, एक्सीडेंट भी हुआ था, बहुत ही हल्की क्वालिटी है भाई, मात्र 20 की स्पीड पे समझो सौकर ही चला गया, सौकर ही हो गया, टूट गया था भाई। और इसके भाई लेने की वजह था कि मतलब हम 2-3 लोग मतलब इस पर आराम से मतलब लेकर मतलब चलेंगे। और बताओ इस पे कुछ लादने वगैरह कैसी है? लादने में तो मतलब आप ला सकते हो इसका, बाकी मतलब यही फिर मतलब सौकर वाला मतलब दिक्कत आएगा मतलब। और किसी को सजेशन देते हो कि स्प्लेंडर पे जाएं? स्प्लेंडर पे भाई मतलब अगर सिंगल चलना है और 2 लोग चलना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पेंट वेंट मतलब उतना सही नहीं है। और पिछले सॉकर की पहले कहानी बता दो यार, क्या हुआ था, कैसे खराब हुआ था? पूरा खराब है, अभी भी पड़ा है, दिखा दो एक बार। अभी भी खराब है इसका मतलब उतुकी है, मतलब उतना सही है नहीं, देखिए भाई अभी तो खैर इन्होंने कुछ टाइट किया है यहाँ से, लेकिन बहुत ही खराब हो गया था एकदम, समझो अभी 4 महीने में यार सस्पेंशन चला जा रहा है तो। और इस पे 2 लोग ही सिर्फ बैठे ही हैं,
और इसकी सर्विस सेंटर में देखा गया इसके अलॉय भी टूट जा रहे हैं भाई, इतने हल्के अलॉयस हैं इसके अलॉय भी मतलब। और भाई देखिए मेरा ये भी ख़राब है, और इसको मैं अपने दोस्त को बाइक दिलवाया हूँ, उसका जो है ये वाला लाइट है उसका मतलब हाईवे लाइट, वो भी मतलब ख़राब हो गया। सोचो न्यू बाइक का आपके भी नहीं चला। के दोस्त के पास चलते हैं भाई, वो भी ओनर बहुत ही परेशान है, अभी दो ही आते हुए, क्या करें भाई। स्प्लेंडर ऐसी लोगों का प्यार ही कुछ ऐसा है स्प्लेंडर के प्रति, जो कि इसको लेना पड़ता है। तो भाई क्या हुआ आपके? अभी भाई एक हफ्ता भी नहीं सही हुआ है, लिए न्यू पे ही ये हेडलाइट इसकी खराब थी, कंप्लेन किए कोई रिस्पांस नहीं मिला उससे। कंपनी भाई सोच रहे हो यार, मतलब न्यू हेडलाइट खराब है यार, और उसकी पूरी दुकान पर से लगवा लो इसको, बोल रहे हैं चाहे पैसा दो चाहे बाहर से लगाओ, न्यू बाइक लेने पे ऐसी दिक्कत हो रही है तो लेने का क्या फायदा भाई? किस बात की वारंटी दे रहे हो यार, किस बात की जब हेडलाइट ही नहीं चेंज कर रहे? अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, ठीक है चला जा रहा है इसका, ठीक है कुछ खराबी है, लेकिन उसको रिजॉल्व तो करो यार। आप कह रहे हो बाहर से, इसका क्वालिटी भाई बढ़ाओ, बाहर से खराब कह रहे हो आप लोग, बाहर से लगवाओ क्या मतलब है यार हीरो? और इसकी मतलब अभी न्यू बाइक ही सब पेज भी खोल दिया होगा ना? हाँ सब पेज खुल गया। आप बताइए न्यू बाइक है क्लच उससे स्टार्ट ही नहीं होता है, जो कि उसका सिस्टम भी खराब हो गया जल्दी भाई, गियर में क्लच में भी स्टार्ट होता है लेकिन। और बाइक चल रही है अगर बुझ जा रही तो मतलब आप इसको न्यूट्रल करेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। अच्छा ये भी मतलब दिक्कत आ रही है, बंदा न्यूट्रल करेगा तब स्टार्ट करेगा, अगर पीछे से मतलब कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है भाई। ये बाइक मतलब जो आप मतलब चला रहे अगर कहीं भीड़ में मतलब बुझ जाएगा, आप इसको न्यूट्रल किए भी ना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए भाई गाड़ी गियर में है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, अब इसको भाई जैसे न्यूट्रल करेंगे तब स्टार्ट हो रहा है भाई, ये भी भाई। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हीरो, अगर आप हीरो देख रहे हो तो प्लीज क्वालिटी सुधार लो, क्योंकि स्प्लेंडर के जो लवर्स हैं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आप अपनी क्वालिटी को घटा के अपनी कंपनी को बदनाम कर रहे हो, ठीक है धन्यवाद भाई। ये देखो शूट करके अब जा ही रहे थे, ये देखो इंडिकेटर भाई, नहीं भाई यार क्या यार खत्म कर दिए पूरा।